परिषद सीट के मुकाबले की बात भी करें, यहां पे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। रामपुर बरेली के रण की अगर बात करें, कुंवर महाराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बरेली के पार्टी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, तभी भरोसा पार्टी ने एक बार फिर जताया है। मशूक अहमद मुन्ना सपा प्रत्याशी आजम खान के करीबी माने जाते हैं, रामपुर के चमरौआ से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये रामपुर बरेली की जंग दिलचस्प देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुरादाबाद बिजनौर सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर सतपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संभल से पूर्व सांसद हैं, 2014 से 2019 तक सांसद रहे, इस वक्त भाजपा के यूपी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। अजय मलिक की बात करें, सपा प्रत्याशी हैं, सीट से कई पूर्व विधायक भी टिकट के लिए लाइन में थे, लेकिन आखिर में अजय मलिक का नाम फाइनल हुआ है। अजय मलिक के भाई देवेंद्र मलिक ने भी निर्दलीय नामांकन किया था, उन्होंने नामांकन वापस लिया, जबकि जांच में तीन प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उबैदुर, आपसे जानना चाहेंगे, रामपुर और मुरादाबाद सीट की अगर बात करें तो किस तरह की जंग यहां देखने को मिल रही है? उबैदुर जी, रोहित जी, यहां पर जो पलड़ा है वो भाजपा का ही भारी है, क्योंकि हालांकि ये गढ़ जो है समाजवादी पार्टी का माना जाता है, लेकिन इस तरह के चुनावों में जो रणनीति होती है, जिस तरह से सरकार का आशीर्वाद होता है, उस तरह से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी माना जा रहा है, उनको उनका पक्ष मजबूत माना जा रहा है। हालांकि जो सतपाल सैनी हैं वो पिछले लोकसभा में संभल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और भाजपा ने इस बार उनको MLC का चुनाव में खड़ा किया है। हालांकि जो यहां पर पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो चाहते थे कि MLC का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन संगठन ने उनको मना कर दिया और सतपाल सैनी को यहां पर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अजय मलिक को बनाया है, लेकिन जो पलड़ा भारी है वो नजर आ रहा है भाजपा का। जी सर जी बिल्कुल, उबैदुर, तो जंग सीधी है लेकिन बीजेपी भारी दिख रही है, और आखिर में कल मतदान होगा तो कैसी तस्वीर निकल कर सामने आएगी वो भी कल हम आपको दिन भर बताएंगे। हमारे साथ इटावा फरुखाबाद की अगर बात करें, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, इटावा फरुखाबाद की बात करें, मुलायम सिंह यादव के एंट्री लेने से कितनी दिलचस्प यहाँ पर जंग देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव का पूरे बेल्ट पर बहुत ही ज़्यादा खासा प्रभाव है, और ऐसे में मुलायम सिंह यादव का इटावा आना और कल सैफई जाकर वोट करना कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो BDC हैं, जो उसके तमाम जो प्रधान हैं, उनमें कहीं ना कहीं गार्जियन की भूमिका है। लेकिन ये जो पूरा जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कहा जाए उसने एक तरफा कर दिया है। 36 में 27 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, और ऐसे में कल सैफई परिवार पूरी तरह से वहाँ रहेगा। लेकिन अब देखना ये है कि मुलायम सिंह यादव के रहने से क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कहा जाए शहरी निकाय हैं, ज़्यादातर जो पंचायत जो ब्लॉक हैं, ज़्यादातर जो कहा जाए जिला पंचायत है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक एक सीट का कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी इस पर कर रही है, और ऐसे में ये जरूर है कि थोड़ा प्रांशु दत्त द्विवेदी के मुकाबले हरीश यादव को थोड़ा उन्होंने मुलायम सिंह यादव के आने से फाइट थोड़ी दिलचस्प कर दी है। लेकिन जिस तरह से उनके नामांकन के वक्त उन पर हमलावर हुआ, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, चप्पल तक नहीं वो पहन पाए, और बिना चप्पलों के उन्होंने नॉमिनेशन किया, तो कहीं ना कहीं मनोबल तो ज़रूर डाउन है। और ऐसे में अब देखना यह है कि कल मुलायम सिंह यादव अपने पूरे कुनवे के साथ वोट डालेंगे, क्योंकि उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्य किसी न किसी पद पर चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर कल वो वोट डालेंगे। तो ऐसे में कल का जो इलेक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नितिन बिल्कुल, नितिन आपने पूरा स्थिति बताई, और कल दिन भर आप लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं आज विधान परिषद चुनाव, हर खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, चुनाव से जुड़ी हुई इस हर सीट की चुनावी लड़ाई का मैं पूरा विश्लेषण कर रहा हूं। अब बात इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की करें, जहां भाजपा और सपा के उम्मीदवारों में मुकाबला है, तो यहां कई दिग्गजों के साथ दांव पर है। उम्मीदवारों के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, KP श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वासुदेव यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर। और हमारे साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की बात करें तो यहां पर भी चुनाव लड़ने वालों से ज्यादा दूसरे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है सीट पर जीत दर्ज करने की। कैसा मुकाबला यहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर वैसे तो 5 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला है।
दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ मुकाबला उतना आसान नहीं है जैसा बाकी जगहों पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को तो लगाया ही गया पार्टी की तरफ से। इसके साथ साथ कई पुराने दिग्गज नेताओं को, पुराने अनुभवी नेताओं को, चाहे वो सिद्धार्थनाथ सिंह हो, चाहे लक्ष्मण आचार्य हो, चाहे दूसरे नेता हो, उन सबको भी लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले सुलाल जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी ने ना सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीती थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उसके जो प्रतिनिधि थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। अभी जब हाल में विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों जिलों की 15 में से तकरीबन आधी सीटें, यानी 15 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने जहां इस बात की चुनौती है कि वो अपनी सीट को बरकरार रखे, क्योंकि उसने जो निवर्तमान एमएलसी वासुदेव यादव है उनको चुनाव मैदान में उतारा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पे है। तमाम दिग्गज नेताओं को लगाया गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बात की चुनौती है कि मोदी और योगी के नाम के सहारे वो किस तरीके से जीत हासिल कर पाती है। दोनों पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो 12 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी। बिल्कुल सही मोइन आपने कहा, दावे सबके हैं, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन चुनाव है, चुनाव चुनाव होता है जब तक की जीत हासिल ना हो जाए। लेकिन 9 सीटें ऐसी है इस चुनाव में, 35 पर चुनाव हो रहा था, लेकिन 9 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। जल्दी से उन सीटों के बारे में बता दूं। बदायूं से बगीश पाठक पूर्व विधायक प्रेम स्वरूप पाठक के बेटे हैं, 2014 में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी थे। यहां से सपा ने सिनोद शाक्य को प्रत्याशी बनाया था जिन्होंने पर्चा वापस ले लिया और इस सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई। हरदोई की बात करें, अशोक अग्रवाल, इनके भाई राजकुमार अग्रवाल 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। पिछली बार भी अशोक के भाई मैदान में थे लेकिन सपा प्रत्याशी से हार गए। इस बार भाजपा ने अशोक को टिकट दिया है। सपा ने रजीव दीन को प्रत्याशी बनाया था लेकिन उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। लखीमपुर खीरी, अनूप गुप्ता यहाँ पर छात्र राजनीति से भाजपा से जुड़े, 4 साल से प्रदेश महामंत्री हैं। सपा के यहाँ से अनुराग पटेल को उतारा था जिनका पर्चा खारिज हो गया। मिर्जापुर सोनभद्र, विनीत सिंह बाहुबली की पहचान, सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह से उनकी अदावत मानी जाती है। हालांकि अब दोनों के बीच कोई रार तकरार नहीं है। सपा ने यहां से रमेश सिंह यादव को टिकट दिया था लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में नाम वापस ले लिया। बांदा हमीरपुर की बात करें, जितेंद्र सिंह सेंगर यहां से निर्विरोध चुन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वीरेश, 9 सीटों पर बीजेपी ने सीट इसलिए निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है क्योंकि वहां पर दूसरे दल का कोई प्रत्याशी ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं भर पाया, जिसने भरा उसका रद्द हो गया। क्या कहना है जो 9 सीटें जीत ली? पिछली बार सपा भी 8 सीट जीत गई थी। देखिए, ये जो परिषद का चुनाव है, हमेशा से ये माना जाता है कि ये सत्ताधारी दल का चुनाव होता है। बहुत सारे ऐसे विपक्ष के प्रत्याशी तो हिम्मत नहीं कर पाते, उनका पर्चा उठ जाता है, फट जाता है, साथ ही साथ वो पर्चा वापस ले लेते हैं। तो ये परंपरा रही है जिस परंपरा का निर्वहन इस बार भी देखने को मिल रहा है इस परिषद के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो पुरानी परंपरा रही है इस परिषद के चुनाव में, और रिजल्ट भी वही होगा जो सत्ताधारी दलों का हमेशा से रहता रहा है। तो इसलिए ज्यादा आरोप लगाने की गुंजाइश किसी पार्टी के पास नहीं है। बिल्कुल भी दूध का बिल्कुल नहीं। सही आपने कहा कि समाजवादी सत्ताधारी दल का चुनाव माना जाता है। वीरेश, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि कल सुबह 8 बजे से लगातार एबीपी गंगा पर विधान परिषद चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप दिन भर देखिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। आज बात तो चुभेगी, मैं इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।